तो वो होता है स्टिल्ट हाउस ओके नंबर टू द मेटेरियल यूज मेकिंग परमानेंट हाउस परमानेंट हाउस बनाने के लिए इसमें से कौन सा मेटेरियल यूज किया जाता है तो सीमेंट का यूज किया जाता है परमानेंट हाउस बनाने के लिए अ हाउस ऑन अ व्हील इज कॉल्ड कारावैन हाउ व्हील एंड द टाइप्स ऑफ हाउस अ पर्सन बिल्ड्स डिपेंड्स ऑन लोकेशन एंड मनी क्लाइमेट्स एंड अवेबिलिटी ऑफ वाटर एंड बोथ सारी चीज़ें आवश्यकता है सारी चीज़ों की आवश्यकता है अगर हम घर बना रहे हैं तो लोकेशन भी अच्छा होना चाहिए पैसा भी हमारे पास होना चाहिए क्लाइमेट भी वहाँ का अच्छा हो वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छा भी अच्छा हो सारी चीज़ देख करके ही आदमी घर बनाता है देन राइट आंसर इज बोथ फिलिंदी ब्लैंक्स यहाँ पर फिलिंदी ब्लैंक्स में आपका ये देखो जो रेड कलर से भरा हुआ है ना वो आपका डैस है उसको फिल कर दिया गया है ठीक है द अर्ली मैन

तो स्लोपिंग रूफ माउंटेन हाउस सी कारावेन जो है वो मूविंग हाउस है हवेली बिग विलेज हाउस स्टेल्ट हाउस कहाँ बनाया जाता है तो फ्लड फॉन एरिया में मैन कहाँ रहता था तो अर्ली मैन केब्स ओके नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाई डू वी नीड अ हाउस घर की आवश्यकता क्यों होती है हमें वी नीड अ हाउस टू लिव इन इट इट प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन विंड कूल एंड हीट ओके ना क्वेश्चन नंबर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस आर बिल्ट इन डिफरेंट एरिया एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल अब अलग अलग तरह के घर जो अलग अलग एरिया में बनाए जाते हैं तो उसको हमको एक्सप्लेन करना है अपार्टमेंट्स आर बिल्ट इन सिटीज ड्यू टू लेस लैंड अपार्टमेंट सिटीज़ में बनाई जाती हैं क्योंकि रहने का रकबा कम है जमीन कम है हाउस विथ स्लोपिंग रूफ आर बिल्ट ऑन अ माउंटेन अब स्लोपिंग रूफ्स का जो हाउस बनता है वो माउंटेन्स एरिया में बनता है स्टिल्ट स्टील्टाउस आर बिल्ट इन दो एरिया वेयर फ्लड्स आर कॉमन स्टिल्ट हाउस वहां बनाते हैं जहां पे फ्लड्स कॉमन आता है फ्लड्स बार बार आते रहता है हाउस बोट्स आर बिल्ट इन केरला एंड कश्मीर ओके लॉक केबिन आर बिल्ट इन अ फॉरेस्ट लॉक केबिन जो है फॉरेस्ट एरियाज में बनाए जाते हैं यहाँ पे वुड इज ईजिली अवेलेबल होता है वाई डू पीपल लिविंग इन अ हॉट क्लाइमेट कीप देयर हाउस कूल हाउ डू ओके सॉरी हाउ डू पीपल लिविंग इन अ हॉट क्लाइमेट कीप देयर हाउस कूल इन अ हॉट क्लाइमेट द हाउस आर बिल्ड विद हाई फ्लैट रूफ टू कीप द हाउस कूल ठीक है हॉट क्लाइमेट्स में जो है वो हाई फ्लैट रूफ बनाते हैं लोग जिससे कि घर को ठंडा रखा जा सके लिस्ट द मटेरियल्स दैट पीपल यूज फॉर बिल्डिंग परमानेंट हाउस इन सिटीज अब परमानेंट हाउस बनाने के लिए कौन से बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है सिटीज़ में तो जब आप घर से निकलते हो तो देखते होगे सड़क पे भी आपके आपके स्ट्रीट में आपकी गली में बहुत सारे हाउस बनाने का मटेरियल्स रखा होता है लोगों ने अपना गिराया होता है तो क्या होता है वो तो परमानेंट द मटेरियल्स वीच आर यूज फॉर बिल्डिंग परमानेंट हाउस इन सिटी आर ग्लास स्टील सीमेंट स्टोन ब्रिक्स एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ यूज़ होती है क्वेश्चन नंबर फाइव डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन हाउस एंड स्टिल्ट हाउस अब यहाँ पे माउंटेन हाउस और स्टिल्ट हाउस को डिफरेंस बताना है तो डिफरेंस बिटवीन माउंटेन हाउस एंड स्टिल्ट हाउस आर माउंटेन हाउस सबसे पहले माउंटेन हाउस द हाउस इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर मेड विद स्लोपिंग रूप सो दैट रेन वाटर एंड स्नो कैन स्लाइड डाउन ईजिली ओके स्लाइड डाउन ईजिली स्टिल्ट हाउस आर मेड इन दोज एरिया वेयर फ्लड्स आर वेरी कॉमन

वो अपने टीचर से कंप्लेन करता है कि मैम ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैम क्या करती है पलम्बर को जल्दी से बुलाती हैं रिपेयर करने के लिए चलिए इसका आंसर देख लेते हैं वाट इज़ योर रिएक्शन वैन यू सी लिकिंग टेप्स एट होम और इन स्कूल अब आप जब लिकिंग टेप देखोगे स्कूल में और घर में तो क्या करोगे तो हम क्या करेंगे आई विल इमीडिएटली इन्फॉर्म माई क्लास टीचर और माई मदर एंड फादर इन्फॉर्म करेंगे कि भाई जल्दी से इसको सही करवाया जाए वाट डू यू डू वैन यू सी द लाइट स्विच ऑन इन अ वैकेंट क्लास रूम अब आप अपने क्लास रूम में देखोगे क्लास रूम में सारे बच्चे गेम पीरियड में गए हुए हैं गेम्स खेलने गए हुए हैं या असेंबली में गए हुए हैं और आप उस समय आते हो आप देखोगे सारे स्विच ऑन है पंखा चल रहा है लाइट चल रही है, है तो आप क्या करोगे तो जाहिर सी बात आप क्या करोगे आई विल स्विच ऑफ ऑल द लाइट ऑफ द वैकेंट क्लास रूम ठीक है सारे सारे लाइट पंखे बंद कर दोगे Why is it important to conserve food, water, electricity? इन सारी चीज़ों को बचाना क्यों ज़रूरी है It is important to conserve food, water, electricity, etc. Because nowadays people cannot survive without food, water or electricity. अब थोड़ा थोड़ी सी बिजली चले जाती है तो होता है अरे लाइट चली गई लाइट चली गई रहना तो मुश्किल हो जाता है लाइट के बिना तो भाई जब जब है तो उसको तो हम बचा के रखेंगे ना ठीक है देन Thanks for watching and never forget this and this also and this also. Okay.